चितापुर तालुका ओरियंट सीमेंट प्लांट के खिलाफ किसानों का एक झुंड पदयात्रा की शक्ल में इडगा विलेज से गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक एहतजाज की शक्ल में निकला है। चितापुर तालुका इडगा विलेज से गुलबर्गा का सफर लगभग 50 किलोमीटर है। ये किसान पैदल अपने हक के लिए इंसाफ की उम्मीद लेकर गुलबर्गा डीसी ऑफिस को आ रहे हैं। इन किसानों का कहना है, ओरियंट सीमेंट कंपनी ने किसानों से कुल 1700 एकड़ जमीन खरीदी है। जमीन के बदले जो रकम इनको देना था उसमें किसानों के साथ धोखा किया गया है। किसानों के गुजर बसर के लिए जमीन ही इनका सहारा थी। कुछ सियासतदानों के साथ मिलकर सीमेंट कंपनी ने काफ़ी कम कीमत देकर इनसे ये जमीन खरीदी है। कर्नाटक प्रांत रहित संघ किसान ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले सारे किसान गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर से इंसाफ मांगने निकले हैं। इन लोगों की मांग है, इनको एक एकड़ जमीन के बदले 60 लाख रुपया दिया जाए और हर किसान के घर से किसी एक को सीमेंट कंपनी में परमानेंट जॉब दी जाए। इसके अलावा और भी कई दीगर डिमांड लेकर किसान निकले हैं। कल सुबह डीसी ऑफिस पहुँच कर एहतजाज करेंगे। चितापुर तालुका इटगा गांव में ओरियंट सीमेंट कंपनी एक 1700 एकड़ जमीन लिया है, लेकिन वो जमीन लेते टाइम लैंड एक्विजिशन एक्ट पूरा जारी नहीं हुआ है। एक एकड़ को 2 लाख दिया है, एक किसान को 4 लाख दिया है, एक किसान को 6 लाख दिया है, एक किसान को 8 लाख दिया है, लेकिन 2010 में जो ये लोग खरीदी किया है जमीन, ये पूरा गलत है। किसानों के साथ ये गलत हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इटगा ग्राम गांव से डीसी जिला डीसी कचहरी तक ये पदयात्रा शुरू किया है। तो ये सब किसान लोगों के ये मांगे है कि एक एकड़ का कम से कम डिमांड 60 लाख 60 लाख होना चाहिए और जो किसान का बेटा है बेटी है उनको कंपनी में परमानेंट जॉब देना चाहिए और वो जो किसान वहाँ खेती बाड़ी करते हैं उनमें वो किसान खेती करने के लिए उनको इरिगेशन के लिए कंपनी से लाभ होना चाहिए। वहाँ जो स्कूल है और जो रास्ते है सब डिमांड पास करना चाहिए। ये सब पूरा मांगे क्या है, ये किसान लोगों का डिमांड है। ये सब डिमांड लेके हम डीसी आप कचहरी तक ये पदयात्रा बुलाकर जा रहे हैं। कर्नाटका प्रांत रहित संघ आज गुलबर्गा चितापुर तालुका से गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक एक पदयात्रा कर रहे हैं। कर्नाटका प्रांत रहित संघ का ये जो पदयात्रा है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केपीआरएस कॉमरेड शरण बसप्पा ममशेट्टी और केपीआरएस लीडर साहेब अन्ना गुडुबा की सदारत है। ये पदयात्रा आज चितापुर से शुरू होकर आज इस वक्त शाहबाद पहुँच चुकी है। ये आज रात नंदूरे तक पदयात्रा चलेगी, इसके बाद यहाँ से नाइट हॉल रात में पदयात्रा ये नंदूरा में रुककर कल सुबह फिर वापस नंदूरा से शुरू होकर गुलबर्गा डीसी ऑफिस पहुँचेगी। ये पदयात्रा जो है जो किसानों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, जिस तरीके से चितापुर तालुके में ओरियंट सीमेंट प्लांट लैंड एक्विजिशन किया है फार्मर्स का, जो कि नियरली अबाउट 1700 एकर्स लैंड एक्वायर किया है, ये टोटली एक पार्शलिटी हुई है किसानों के साथ, एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसानों के साथ। यहाँ पे देखिए, कुछ किसानों को उनके लैंड का किसी को 2 लाख रुपये पर एकड़ दिया गया है, किसी को 10 लाख दिया गया है, किसी को 40 लाख दिया गया है। इसका मतलब क्या है भाई, जब एक कंपनी लैंड एक्वायर कर रहा है तो प्राइस यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए था, ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ काम करते हुए जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं उनको बड़ी कीमत देकर उनसे ज़मीन एक्वायर किया गया, और जो किसान गरीब है जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके कोई ताल्लुकात रसूख नहीं है, ऐसे किसानों का हक मारा गया है और इनको 2 लाख 4 लाख रुपये देकर इनकी ज़मीनें हथियाई गई। और साथ ही साथ किसानों का सिर्फ ये हद तक का मामला नहीं है, जिनकी ज़मीन चली गई वो लोगों का रोज़गार का क्या होगा? तो किसानों का ये डिमांड है कि जो ज़मीन एक्वायर की गई है इसकी प्रति एकड़ फी एकड़ 60 लाख रुपया कीमत दी जाए और इनके फैमिली मेंबर्स को, इनके कुटुंब में से किसी को एक परमानेंट नौकरी दी जाए। और साथ ही साथ दूसरे मसाइल जो है कि सीमेंट फैक्ट्री को लेकर वहाँ पे काफ़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ का डस्ट पॉल्यूशन वहाँ के खेती करने वालों को, वहाँ के किसानों को, उनकी फसल को नुकसान कर रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम यहाँ से अपील करते हैं
के गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गुलबर्गा से जुड़े हुए, चितापुर से जुड़े हुए, ये लोग किसानों की इस आवाज को सुने। ये आवाज सुनना जरूरी है, अगर ये आवाज नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले इलेक्शन में यही किसान फिर ऐसी हालत कर देगा कि आप जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जितने इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, आप इनके घरों के आगे भीख मांगते फिरेंगे वोट की, लेकिन ये किसान आपको वोट नहीं देगा। क्यों? जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी कोई ये किसी की ताईद नहीं करेगा। इसलिए हम अपील करते हैं, एज ए फार्मर्स एक्टिविस्ट मैं अपील करता हूं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि ये किसानों के डिमांड के तरफ अपन खुद सीरियस हो जाएं और सीरियस होकर इनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए काम करें। चितापुर तालूकनिवंता ओरियंट सिमेंट कंपनी अन्नदात्री द्रोह बग्दे अन्नदात्र मेले तीर बटे हाक महा मोसमे ಐವತ್ತು ಅನ್ನದಾತರ ಬದುಕನ್ನ ಬೀದಿಪಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಓರಿಯಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಡಸ್ಟ್ ಧೂಳಿನಿಂದ ಇಡೀ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 13 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೌಕರಿಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣನೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಗ ಮೊಗಲ ಊಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾಂಡ ದಿಗ್ಗಾಂವ್ ಈ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಊರಿನ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 1 ಎಕರೆಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಮಗುನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ವರ್ಷದ್ದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಇದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಜನರನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾಳಿನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಮನೆ ಮನೆನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಗಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಕ್ಕೋರ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒತ್ತಾಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.